आप सभी का TRLSS वीडियो लेक्चर्स में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2019 में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि एक से हज़ार तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक पाँच कितनी बार आएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट फाइव विल अपियर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 ईच। ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को समझेंगे, ताकि मतलब कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं हम लोग। जैसे वन डिजिट नंबर में जैसे फाइव, वन से नाइन अगर हम देखें तो फाइव ही केवल है, तो एक डिजिट वाले में तो पाँच एक ही बार आएगा। लेकिन जैसे टू डिजिट में हम लोग आते हैं, दो अंक वाली संख्या में, तो हम लोग से देख सकते हैं कि 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, तो ये नाइन नंबर्स आ गए, सभी में पाँच दिख रहा है हम लोग को। लेकिन एक जो सीरीज है जैसे 50, 51, 52, 53, 54, 55 को नहीं लेंगे क्योंकि 55 ऑलरेडी ऊपर में ले चुके हैं। तो इस तरीके से जब 50 से 59 तक देखें तो यहाँ भी 9 आ गया। तो टू डिजिट वाले में जो नंबर्स हैं जिसमें 5 आ रहे हैं वो कितने हो गए, 9 और 9, 18 हो गए। थ्री डिजिट नंबर में तीन अंक का जो संख्या है उसमें 5 जो निकालना है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशंस का यूज होगा, जो हम लोग 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हैं। तो 12th के मैथ्स का यूज है इसमें, इस क्वेश्चंस में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर तीन डिजिट का नंबर है, हम लोग पाँच को अगर हम पहले पोजीशन में फिक्स कर दिए, मतलब ये हो गया 1P1, और बाकी जो दो खाली जगह है उसको हम लोग, हमारे पास 0 है 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़कर 0 से 9 तक, मतलब 9 डिजिट हमारे पास है, तो 9P1 और 9P1 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला जो केस ये हुआ, जब 5 को यहाँ फिक्स किए तो हमारा 81 आ गया। 1P1 × 9P1 × 9P1 कर लिए, और फैक्टोरियल जो होता है, हम लोग पता है कि NPR जो है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल माइनस r होता है। फैक्टोरियल n क्या होता है, 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक का मल्टीपल होता है। तो फर्स्ट केस को हम लोग समझ में आ गए, 81। सिमिलरली हम लोग क्या किए, सेकेंड केस में 5 को फिक्स कर दिए, तो फर्स्ट डिजिट में चूंकि 0 नहीं हो सकता है, तीन अंक की संख्या बनाना है तो 0 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल्स जो हो गए 5 को छोड़कर 8 नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो मतलब 8 डिजिट्स यहाँ पर हम लोग फिल कर सकते हैं। 5 ऑलरेडी फिक्स्ड है तो ये 1P1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 9 कोई भी 5 को छोड़कर यहाँ फिल कर सकते हैं, तो ये हमारा 8 × 1 × 972 हो गया। सिमिलरली केस 3 में आते हैं, 5 को यहाँ फिक्स कर दिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 × 9 × 1 हो गया 72। केस 4 को अगर हम लोग देखें, केस 4 में यहाँ 5 को अब 2 5 को फिक्स कर दिए तो ये 1P1 1P1, और यहाँ पर खाली बॉक्स है, मतलब ये 9P1 हो गया, तो ये 9 हो गया। उसके बाद केस 5 में देख सकते हैं, 5 को फर्स्ट में और लास्ट में रख दिए तो यहाँ 1P1 1P1 और ये 9P1 हो गया, मतलब ये 9 हो गया। और केस 6 में हमारे दोनों 5s को यहाँ रख दिए तो ये 1P1 × 1P1, और यहाँ पर फिर से हम लोग 0 नहीं ले सकते और 5 नहीं लिख सकते, तो 8 अंक बच गए, तो 8P1 हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया। केस 7, जब हम तीनों में 5 रख दिए तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये 1 ही होगा, 1P1 1P1। तो सारे केसेस को जब हम 3 डिजिट नंबर वाले को जोड़ेंगे तो 252 आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट एक 1 डिजिट नंबर में 5 एक बार आया, 2 डिजिट वाले में 18, 3 डिजिट वाले में परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट का यूज हो गया, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 252। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 271। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।